फ्लैट 20 लाख 25 लाख करीब हो जाएंगे पूरे राजस्थान, इसके आधे करीब करीब जयपुर शहर। उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा पॉलिसी में, तो जयपुर में भी कम से कम मैं समझता हूं कि करीब 10 लाख की आबादी को उसका लाभ मिलेगा। अभी की बात है, भविष्य में तो इसमें कोई गिनती नहीं है, आबादी बढ़ेगी, फ्लैट्स बढ़ेंगे, कनेक्शन लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन अभी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमको तुरंत में जो जितना इंतजाम करना है वो लगभग इतने का करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और इतने लोगों का अभी हाल फिलहाल लाभान्वित कर पाएंगे। मंत्री जी, जयपुर में पानी है क्या देने के लिए? जयपुर में पानी है क्या? जयपुर की जनता को कनेक्शन देके पानी कहाँ से पिलाएंगे? जनता को कनेक्शन भी देंगे, पानी भी पिलाएंगे, अभी पिला भी रहे हैं। छोटी मोटी समस्याएं सब जगह रहती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कोई अभी कोई परेशानी की स्थिति है। पेयजल ऐसी चीज है जिसको पैदा नहीं कर सकता, पानी तो जो प्रकृति देती है उसी का उपयोग करना पड़ता है और उसी उपयोग को अच्छे प्रबंधन के साथ अधिक से अधिक लोगों को सुगमता के साथ में पेयजल मिल सके, ये हमारा प्रयास है। भाई साहब, ऊंची बिल्डिंगों पर कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, हमारा विभाग जो है ना वो पेयजल वितरण का काम करता है, स्रोत जो है वो हमारे विभाग के अंतर्गत है। रामगढ़ बांध हो या कोई भी बांध, बांध का निर्माण हम लोग नहीं करते, बांध को जिंदा हम लोग नहीं रखते, उसके लिए अलग विभाग है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जितना हमें पानी मिलेगा उसका बेहतर प्रबंधन करेंगे और उस पानी को अधिक से अधिक लोगों तक उनकी प्यास पहुंचाएंगे। पहले एक बार एसी साहब को जरा कंटिजेंसी प्लान के बारे में बता दें। GWD हमारी गर्मियों की कंटिजेंसी की पूरी तैयारी है। कल जो है मंत्री जी के निर्देशों पर हमने पूरा रिव्यू किया है सारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और पिछली बार भी थे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। अब की बात जो हमारा पिछली बार का सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त जिला था पानी, वहाँ पर जवाई बांध के पानी है सर, इसलिए पिछली बार हमें रेल चलानी पड़ी थी, अब की बार रेल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा सबसे मुश्किल दूसरा नंबर का जिला दौसा है, वहाँ भी सर चीफ इंजीनियर हमारे जोधपुर के जो इंचार्ज हैं कल रिव्यू करके आए, परेशानी रहेगी लेकिन जितनी भी उसको हम उपलब्ध संसाधनों में सुलझा पाएंगे करेंगे। हर जिले को इनिशियली 50-50 लाख रुपये दिए गए हैं, ये रेगुलर स्कीम्स के अलावा है, ये कलेक्टर साहब कहीं भी हैंडपम्प किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अतिरिक्त वाहन हम करते हैं, हमें अप्रैल के महीने के लिए 400 वाहन और मई के लिए और मई से लेकर अगस्त तक 450 वाहन मिलते हैं, हमें लोगों को जाना होता है व्यवस्थाएँ करनी होती हैं। विभाग के पास इस तरह 350 वाहन हैं, हर जिले को भी एक एक वाहन अलग दिया गया ताकि हम अपने हैंडपम्प रिपेयर का अभियान और जल आपूर्ति संबंधी समस्त कार्य कर सकें। हमें सीजनल जो है संविदा श्रमिक 2000 अप्रैल से भी मिले हैं और 2500 जो है मई से और 31 अगस्त तक के भी मिले हैं, और ये स्टार्टिंग है। इसमें जो है जो 50 लाख की जो लिमिट जिलों को दी गई है वो फाइनल नहीं है, इनिशियल। पिछली बार भी कई जिलों में ज़्यादा आवश्यकता पड़ी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे तय होकर अतिरिक्त राशि भी हमें स्वीकृत की थी, कुछ जगह सैंक्शंस भी हो गई हैं। जैसे जैसे खर्च होगा हम 50 लाख को एक करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इससे ज़्यादा भी करेंगे। कई जगह हमारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क ऑलरेडी चालू है क्योंकि गर्मी भी जल्दी आ गई है और कुछ जगह समस्या भी पहले आ गई, जैसे अजमेर, करौली, तिजारा, अलवर, राजगढ़, भूपुर, दौसा, बसवा, विराटनगर, शाहपुर, शाहपुरा, बगली, जयपुर, सिवाना, इन सब में भी तथा 300 इनके इन सब में काम किया जा रहा है। हमने अब की बार पिछली बार की तरह और भी स्ट्रिक्टली हमारा करौली का जो अनुभव रहा उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने अवैध कनेक्शन का अभियान पिछले वर्ष ही शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ बूस्टर की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े स्तर पर इसका अभियान शुरू किया था हमने। लगभग एक साल में
अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च तक 16,000 अवैध कनेक्शन हुए हैं, उन पर कार्रवाई की, इसमें से 1725 रेगुलराइज कर दिए और बाकी 14,290 हमने हटा दिए। अजमेर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लगभग 2400 कनेक्शन हमने हटाए, नागौर में 2186, जयपुर में 2028। बूस्टर के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की, हमने 868 बूस्टर जब्त किए हैं, सबसे ज़्यादा इसमें अजमेर, सबसे ज़्यादा जयपुर, फिर अजमेर, बाड़मेर और अलवर, इस तरह से। और कई बार एक ये भी चीज़ नोटिस में आई है कि लोग बिना पूछे कार्रवाई करने लगते हैं, सड़क पर निकल हमारी लाइनें टूट जाती हैं। ये निर्णय लिया गया है कि ना केवल हम उनसे रिपेयर की वसूली करेंगे बल्कि हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, ताकि इस तरह की चीज़ से जनता की जो असुविधा होती है उसको नियंत्रित किया जा सके। हमारी पूरी तैयारी है, मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले ही इसको रिव्यू कर चुके हैं, मंत्री जी नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। राजस्थान जैसे भी रेगिस्तानी एरिया, इसलिए प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जितना प्रयास हो सकेगा हर संसाधन पर व्यक्ति। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे एरिया में रहते हैं जैसे कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का है, जहाँ उनको कनेक्शन नहीं पहुँचा सकते या बिल्कुल ही स्रोत नहीं है और हमारे पास दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है। ट्राइबल एरिया में बहुत से लोग मगरों में रहते हैं, उदयपुर और एरिया में, तो लगभग 170,000 हमारे कनेक्शन ऐसे हैं जो कि नॉन फिजिकल कर रहे हैं। तो हमारी उपलब्धि बहुत अच्छी है, खर्च के हिसाब से जो हम खर्च करते हैं वो भी हम चौथे स्थान पर हैं, और भारत सरकार ने इस बात को हमारे एक्सेप्ट किया है। राज्य सरकार की दो परेशानियां हैं जिसको कि हमने भारत सरकार के स्तर पर उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ही परेशानियों के लिए भारत सरकार को अनुरोध किया है। जल जीवन मिशन की जो अवधि है वो नियमों के अनुसार आज की तारीख में मार्च 2024 है। कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम 2 साल लेती है, हम कितना ही समय लगा दें उसमें, लेकिन उसको 18 महीने से 20 महीने तो चाहिए ही चाहिए, और ये मानते हुए कि कोई ऐसा फोर्स मेजर यानी कि अपरिहार्य कार्य ना आ जाए, तो उसकी दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि हमें मिशन की अवधि जो है वो मार्च 2026 तक बढ़ाई जाए। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में वित्तीय संसाधनों की कमी है, तो इसलिए उसके लिए भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस रेशियो, एक्चुअली आज की तारीख में 45-45-10 करने के बजाय लगभग 40-60 की रेशियो आती है, बिकॉज कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी स्टेट ने ले लिया है पब्लिक की समस्या को देखते हुए। तो ये दो समस्या हमने भारत सरकार से उठाई हुई, और मुझे विश्वास है कि मिशन अवधि पर निश्चित रूप से सकारात्मक रूप मिलेगा। भारत सरकार ने हमारी नीति में समय हमारी इस बात की तारीफ की है कि पिछले एक साल में हमारी बहुत अच्छी गति आई है, हमें विश्वास है कि हम लक्ष्यों के अनुसार जनता को पानी पिला सकते। हमने अपनी बात रखी है विभाग की तरफ से, पॉलिसी बहुमंजिला इमारतों के लिए, कंटिंजेंसी प्लान कैसे हम आपातकाल, कोई आपात स्थिति बन जाए, पेयजल को लेके कोई आवश्यकता तुरंत आन पड़े, उसके निराकरण के लिए जिला कलेक्टर्स के माध्यम से हमने फंड उपलब्ध कराए हैं। और जैसा भी हमारे एसएस साहब ने बताया, ये 50 लाख रुपया ये फाइनल नहीं है, ये इनिशियल है, जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, कहीं पैसे की कमी नहीं आने देगी। कोई 50 लाख कोई जिला खर्च कर लेता है, वो 1 करोड़ रुपये कर देता है और फिर जरूरत देता हूँ उसको और भी धनराशि उपलब्ध करें। और तीसरी, जल जीवन मिशन की जो हमारी प्रगति है, बहुत उल्लेखनीय प्रगति, 31 मार्च को हमने 27,000 से अधिक कनेक्शन एक दिन में दिए, ये शायद देश में कहीं किसी राज्य में नंबर 2 पे हम। तो कुल मिला के हमारी स्थिति बहुत उल्लेखनीय है, संतुष्टिपूर्ण है। जितने हमारे संसाधन हैं, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, और जो जल की उपलब्धता है, जल भी बहुत गहरा है,
ये भी देखना पड़ता है कि जल तो मिल गया लेकिन वो जल पीने लायक भी है कि नहीं है। तो इस कारण से उसके TDS लेवल क्या है, बहुत सारे कारणों से हमको हमारी प्रगति में समय ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी मैं हमारे विभाग के SA साहब को और पूरे हमारे सारे इंजीनियर साहबान पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूँ कि ये उल्लेखनीय प्रगति उन्होंने हासिल। रोड कट को लेकर नहीं है, सवाल यह है कि कई बार कोई भी किसी भी विषय को लेकर कोई फाइबर ऑप्टिकल डाल रहा है, कोई बिजली की लाइन डाल रहा है, कुछ कर रहा है, हमारे पीने के पानी की लाइन को लापरवाही के कारण से वो क्षतिग्रस्त कर देते हैं। अभी आपने कल परसों देखा होगा बहुत सारा पानी बह गया। तो ये अगर सावधानी से काम करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। अब सावधानी रखते नहीं है, पानी की लाइनें रोज रोज बदली नहीं जा सकती। एक बार पानी की लाइन अगर कहीं कोई क्षति होती है, कहीं टूटती है, तो कितनी मुश्किल के साथ उसको ठीक करना पड़ता है और कितने लाख लीटर पानी एक दिन में बेमतलब बह जाता है। तो इस पर सख्ती करते हुए जो SA साहब ने कहा, आप इसको समझें, कोई अगर हमारे पानी की लाइनों को क्षतिग्रस्त करेगा तो हम उसके खिलाफ उसको ठीक करने का हर्जाना भी उनसे लेंगे, साथ में उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज कराएंगे लापरवाही से काम करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने। अगर हम सख्ती नहीं करेंगे तो ये लगातार घटनाएं होती रहेंगी। आज कल तय किया हमने इस बात के बारे में और उसके बारे में भी हम कराएंगे। अभी नहीं कराई है, करा दी रामनगरी थाने में FIR दर्ज करा दी। हमारे SA साहब बता रहे हैं हम इस मामले को हल्के से नहीं लेंगे, क्योंकि पेयजल से बड़ी कोई बात इंसान के लिए है नहीं। जल है तो कला, जल है तो जीवन है। जैसा मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी दूसरे ग्रह पे भी जान जीवन की संभावनाएं टटोली जाती हैं तो सबसे पहले वहां की मिट्टी का परीक्षण किया जाता है कि उसमें जलीय अंश है क्या। अगर जलीय अंश नहीं है तो वहां जीवन की कोई संभावना नहीं हो सकती, तो किसी भी प्रकार के जीवन की। और जलीय अंश है कोई वहां जीवन की संभावना हो सकती है। तो पानी का कितना बड़ा महत्व है, इसलिए ये जो बातें कही जाती है सिर्फ हमारे नहीं है, ये वास्तविक सच्चाई है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। और चूंकि हम जल को पैदा नहीं कर सकते इसलिए जल का बचत ही जल का उत्पादन है। जितना हम जल बचाएंगे उतना उत्पादन करेंगे। भाई हम किसी को जबरदस्ती तो कनेक्शन जाके देंगे नहीं, कोई हमसे मांगेगा तब कनेक्शन देंगे, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई अवैध रूप से कनेक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि कनेक्शन वैध रूप से जाएगा तो जितना परमिसेबल उस गेज का जाएगा, वो क्या करते हैं आधा इंच का कनेक्शन लेना चाहिए, वह एक इंच का कनेक्शन ले लेते हैं। अवैध रूप से उनको तो अवैध कनेक्शन लेना उनको कोई मतलब नहीं। कई जगह तो ऐसा होता है कि पेयजल के अलावा भी लोग लाइन को तोड़ के अपना कनेक्शन ले लेते हैं। तो नियमित होने से एक वैध तरीके से जितना पानी का कनेक्शन लेना चाहिए जिस साइज का उस साइज का लिया जाएगा। इससे क्या होगा, टेल एंड पर भी पानी पहुँच सकता है और उसमें भी बूस्टर लगा लेते हैं। ये एक गंभीर समस्या है। हम आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि आप हमारे इस अभियान को आप समर्थन दें और जनता तक हमारी बात को सकारात्मक रूप से पहुंचाएं, जिससे लोग बाग अवैध कनेक्शन के मामले में अवैध कनेक्शनों से दूरी बनाएं। और अगर किसी को अवैध कनेक्शन की सूचना मिलती है तो विभाग को बताएं, हम उस अवैध कनेक्शन को हटाने के लिए उस पर कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रखें। 40 इंजीनियर FPO किए हुए हैं विभाग में, इंजीनियर्स की कमी है, पूरा कैसे करें? मेरे ख्याल से हम लोग, ये एक प्रक्रिया है प्रशासनिक है, हम कोशिश करते रहते हैं, कहीं वो किसी कारण से किया जाता है। आप 40 FPO की बात करें, कुछ सस्पेंड भी हैं, एक व्यवस्था है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पेयजल पहुंचाने में विभाग से विभाग किसी प्रकार की कोई कोताही। मंत्री जी एक सवाल है कि
चूँकि मामला बिल्डरों से जुड़ा हुआ था और ये जो पॉलिसी काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, अभी कुछ दिनों पहले एक बिल्डर का मामला आया तो पूरा महकमा सक्रिय हुआ, सीएम साहब से मंजूरी कराई। लेकिन जितनी जल्दबाजी यहाँ दिखाई उतनी जो और प्रोजेक्ट है, जैसे पृथ्वीराज नगर प्रोजेक्ट है, काफ़ी धीरे चल रहा है, वहाँ की जनता भी पानी का इंतजार कर रही है। मेरे ख्याल से आज या कल ही किसी समाचार पत्र ने लिखा है कि मंत्री जी ने कहा था कि पॉलिसी जारी हो जाएगी, आप जो लिखे स्पष्ट रूप से लिखे, या तो हमने जल्दी पॉलिसी जारी कर दी या हमने देरी से करी, दोनों में से एक जगह तो एक्सक्यूज देंगे ना। मतलब किसी बिल्डर को दिमाग में रख के कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। 2016 में जो पॉलिसी बनी थी वो स्वीकार्य नहीं थी। मेरे ख्याल से एक साल से तो आप लगातार देख रहे हैं पॉलिसी के बारे में, एक साल हो गया हमको पॉलिसी के बारे में मीटिंगें करते हुए, तो एक दिन तो समाचार पत्र ये लिखेंगे पॉलिसी अब तक जारी नहीं हुई, डिक्लेयर नहीं करिए, मंत्री जी ने ये कहा था। और दूसरी तरफ अगर आप ये सवाल करेंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा जवाब देना। पृथ्वीराज नगर भी प्रोजेक्ट है आपका, वहाँ भी वो भी हमारी प्रायोरिटी में है। सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, सारे कामों का समय अभी किस किस को कब कब कनेक्शन मिलेंगे वो जुदा बात है। अभी हमने पॉलिसी बनाई है, अब हम ये भी नहीं कह सकते प्रधानमंत्री जी के तरीके से कि भाई ये जो रेल लाइन है ये तो आज़ादी के तुरंत बाद हो जानी चाहिए थी, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था जहाँ सुई भी नहीं बनती थी वहाँ कैसे रेल लाइनें कटती, लेकिन प्रधानमंत्री बड़े आदमी कुछ भी कह सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पैदा होते पहले साल में वो वोट देने लग जाए बच्चा, उनका कथन मैं समझता हूँ कि इस तरीके का है जो उनको नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी बात कही है, 9 साल होने का, 1 महीना कम है, 9 साल से तो स्वयं प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। अब अगर वो ये सवाल करते हैं ये जो काम मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं ये काम तो पहले ही हो जाने चाहिए थे आज़ादी के तुरंत बाद, तो 9 साल में क्यों नहीं, खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 6 साल से अधिक अटल बिहारी जी वाजपेयी जो बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री, उनको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जितने भी रेल मंत्री आज तक हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हुए, बीजेपी के हुए, नॉन कांग्रेस बीजेपी के हुए, जो भी हुए, उन सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को ये बात शोभा नहीं देती। सर, आप पानी पिलाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वो एक बार देखो पानी, मेरा जो विभाग है ना वो पेयजल से संबंधित है, बिजली में क्या हो रहा है और सड़क में क्या हो रहा है इस तरफ मैं भी ध्यान नहीं देता। जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई प्रमुख काम हम अपना करते चलते हैं, लोगों को राहत देने का, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का, इधर उधर देखने का समय किसी के पास। सर, आपकी तरफ से कोई राजनीतिक बयान तो आए सर इस मामले पे, आपकी तरफ से तो आए कुछ? किसकी तरफ से? पायलट साहब धरने पे बैठे तो आपकी तरफ से कुछ आया तो सही नहीं, क्यों सर आना चाहिए ना। मैं तो कल पॉलिसी मंजूर करा रहा था। नहीं, वो तो सही करा ही दिया, परसों हम लोग पॉलिसी बना रहे थे, तो बच रहे हैं सर, आप बच रहे हैं कुछ बोल रहे। हम जो है अपना काम कर रहे हैं, लोगों को राहत देने का काम। भाई साहब भ्रष्टाचार का मामला चरम पर है, सरकार होगी नोटिस दे रखा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं, हमने कुछ नहीं देख रहे हैं, मैंने कहा ना आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो हमको मेरे को मुख्यमंत्री जी ने काम दिया हुआ है PHED का ग्राउंड वाटर, उसमें मैं पूरे तरीके से लगा हूँ। छह महीने में दूसरी बार ये प्रॉब्लम आ गई आप लोगों के साथ। हाई कमांड जो करेगा वो शुरू सर, उनके अनशन को अनुसार संजीदा माना क्या कहा, उनके अनशन को हमें पता ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। हम पॉलिसी बनाने में लग रहे थे, परसों हमने काफी काम किया, क्योंकि अगर परसों काम नहीं करते तो कल कैसे कैबिनेट में हम पॉलिसी को मंजूर करा थे। सर लेकिन राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, 2019 में जब फांसी की सजा हुई थी तब भी हमारी सरकार थी, अदालत ने जो निर्णय दिया हम अदालत के खिलाफ तो टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जनता को यह विश्वास दिलाते हैं
कि हम कोई कमी नहीं रखेंगे दोषियों को सजा देने का। महेश जी वैसे आप बाड़मेर में कल दलितों को एक दलित व्यक्ति को जब उन्होंने मार दिया जहाँ से लिंच कर दिया और लगातार ये बाड़मेर से दूसरी घटना है दलितों के विरुद्ध लगातार मामले राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत बर्बर तरीके से हत्या की गई 17 लोगों ने मारा। कानून किसी के साथ रियायत नहीं करेगा, सरकार किसी के साथ रियायत नहीं करेगी। जिसने गलती करी है उसको पूरी तरीके से सजा देगी और जो पीड़ित हैं उनको पूरी तरीके से राहत देगी। सर अब कब से कनेक्शन कब से जारी होना शुरू हो जाए क्योंकि बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अब प्रक्रिया कब से चालू कर रही है आप? कल पॉलिसी मंजूर हुई है, नोटिफिकेशन हो वही बात आ गए, आपने ऐसी बात कर ली कि आज़ादी के तुरंत बाद रेल लाइन मिल जानी चाहिए थी। पैदा होते ही पहले साल में 18 साल का होकर वोटिंग राइट मिल जाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पॉलिसी बनी, पॉलिसी मंजूर होगी, नोटिफिकेशन होगा, जो प्रक्रिया में समय लगता है उतना समय लगेगा। बाकी हमारा जो विभाग है वो अपने स्तर पे किसी को भी एक दिन भी कनेक्शन में देरी नहीं होने। सर लॉक करके फिर आप रेगुलराइज करेंगे, बंद करेंगे और या फिर क्या अगर पीएचडी की पाइपलाइन वहाँ तक पहुँच जाएगी, मदान साहब फिर क्या बैठे हुए हैं तो उन गोरीबों का क्या भविष्य होगा? लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके घर में बोरिंग भी और बीसलपुर का पानी भी आ रहा है मेरे पास, सबके घर है आपके घर बीसलपुर, मैं मेरे यहाँ कहता हूँ, मैंने तो जैसे इस घर में मैं तो किसी भी तरह के कोई वाटर फिल्टर वाटर कोई आर ओ आर ओ कुछ नहीं लगा रखा, बीसलपुर का पानी आता है डायरेक्ट कोई पानी। तो जिसको भी बीसलपुर का पानी मिले वो किसी और दूसरे पानी की तरफ देखेगा। आप पानी की बात करो, आपकी मित्रता उनसे, आपका उनसे प्रेम है, आप ये सवाल आप उनसे जाके करो। हाँ पानी पार्टी में यदि कोई अनुशासनहीनता होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा ना आप अभी पेयजल संबंधित बात करो, आपके अगर कनेक्शन नहीं है तो मुझे बताइए। अगर आप किसी के भी घर में अब पॉलिसी बन गई ना सर, तो इंतजार करें तो आपके इंतजार तो पूरा हुआ, फल मीठा मिला ना। और ऐसी पॉलिसी का आपने भी नहीं सोचा होगा, या पॉलिसी पढ़ेंगे ये बैठे सर, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, इनमें से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई जो फ्लैट्स को आप पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं ना उसकी दर बढ़ा दीजिए, बात आई थी कुछ कई लोगों ने कहा, और ये बैठे गुप्ता जी अनिल जी बैठे, इन्होंने कहा कि आप बढ़ा दीजिए रेट, हमने कहा नहीं रेट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही शहर में एक ही नगर में एक जगह पानी की दर पूछो दूसरे को पूछो, इसीलिए हमने जो 45 और 25 और 42 रुपये जो रेट थी रेजिडेंशियल के लिए उसको एक किया, हमने कोई दर नहीं बढ़ा। जो वही पानी आप पी रहे हैं वही मैं पी रहा हूँ, आप महंगा क्यों पिए मैं सस्ता क्यों पिए, रेट सबकी एक बढ़ानी होगी उसकी सबकी बढ़ा। तो जयपुर शहर और जगतपुरा में एक ही रहेगी जो पहले इशू आया था, एक ही भाई साहब एक एक सवाल है, रेल मंत्री आज जयपुर में थे वो कह रहे हैं कि केंद्र में जो परीक्षाएं होती है वो कभी लीक नहीं होती, राजस्थान सरकार को काम करने का तरीका आना चाहिए तो पेपर लीक नहीं होते, पेपर लीक को लेकर रेल मंत्री जी को ज्ञान नहीं है, वो अगर उठा के देखेंगे केंद्र की भी कई परीक्षाएं रेलवे की परीक्षा लीक में पर्चा लीक हुआ है, तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं सम्माननीय हैं देश के रेल मंत्री हैं, इतना ही कहना चाहता हूं वो कुछ कहें तो सोच विचार के कहें, इससे लोग बाद में ये नहीं कहें रेल मंत्री जी ने ये क्या असत्य बात कही। सर एसीएस साहब ने अभी कहा कि पाली में हम पानी की समस्या इस बार नहीं आने देंगे, लेकिन दौसा में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो राजधानी के पास बिल्कुल एक जिला है वहाँ पानी की हम पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पिछली बार गर्मी में भी आया था मुद्दा, क्या कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं है दौसा के लिए? दौसा के लिए हम प्लान भी बनवा रहे हैं, ईसरदा का जो उधर से पानी आएगा उसमें से जो कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई एश्योरेंस इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई काम हमको ऐसा लगता है बहुत ईजी है, जब तक DPR नहीं बन जाए तब तक उसके बारे में हम नहीं कह सकते, फिर DPR को एक बार रिवाइज करना पड़ता है देखना पड़ता है। दौसा के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं।